Hello friends, my name is Ashish and in this video I'm going to cover the topic electric potential, and after that I will cover the topic electric potential difference. Okay, so let's begin. सबसे पहले हम समझते हैं कि word electric potential की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें. ठीक है, हम जानते हैं कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्रीली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. एक कंडक्टर कहने का मतलब है कि आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ. तो जो नेट मूवमेंट होता है फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो ज़ीरो होता है. इसलिए उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता है. अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करे, तो हमें चाहिए ये कि उसमें जितने भी फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, तभी हमें करंट उस कंडक्टर में आसानी से मिल पाएगा. ठीक है, सो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम हिंदी में समझेंगे. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर विच अप्लाइज across a conductor to make freely charged particles that present in a conductor moves in a particular direction. मतलब यह एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है या फोर्स कह सकते हैं आप, जो कि कंडक्टर में मौजूद फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक निश्चित दिशा में मूव करने के लिए बाध्य करता है. ओके, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एनी पाथ. अब इसे हिंदी में समझते हैं. एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर किसी भी पाथ से लाने में जो कार्य होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है 1 वोल्ट. वोल्ट, ओके, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कोलम. कोलम चार्ज की यूनिट होती है और जूल वर्क डन की यूनिट होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाई इट इज स्केलर? क्योंकि स्केलर का मतलब है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. पॉइंट P पर V1 पोटेंशियल है, ठीक है, और पॉइंट Q पर V2 पोटेंशियल है. और अगर हम V1 माइनस V2 करते हैं तो हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड अगर मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो P पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल दैट इज प्रेजेंट ऑन द Q. और अगर V1 माइनस V2 हमें नेगेटिव मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो V2 है वो ग्रेटर देन V1 है. इसका मतलब कि Q इज ऑन हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू P. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि किसी भी दो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी जो SI यूनिट है वो वोल्ट है. ये वोल्ट आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से वर्ड आया. ये वोल्ट एक साइंटिस्ट थे पहले, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर हम इसकी SI यूनिट हम लोगों ने रखा है जो है वोल्ट. अब हम आते हैं वोल्ट मीटर पे. ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे. वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर. ओके, सो इसका मतलब यह है कि वोल्टमीटर एक तरह का डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल होता है उसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं. ओके, सो
इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि ये वोल्ट मीटर जो होता है वो सीरीज़ में ना कनेक्ट हो करके हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन में अगर देखा जाए तो वोल्ट मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है. ओके, सो इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. अब हम समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो कब मूव करेंगे, किस कंडीशन में मूव करेंगे. ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर है जो कि जिसका दो एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी और दूसरे एंड्स को मान लेते हैं क्यू. ठीक, एक एंड को जहाँ पर पी है उस पर मान लेते हैं 5 वोल्ट है, और क्यू है जो पॉइंट उस पर भी हम लोग मान लेते हैं 5 वोल्ट है. तो आप क्या सोच रहे हैं कि दोनों के बीच में करंट बहेगा? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? ज़ीरो. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में ज़ीरो हो जाता है ना, तो उन दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं करता है. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के बीच में करंट फ्लो हो, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें आना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि पी पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं 0 वोल्ट, ठीक, और क्यू पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं 5 वोल्ट, तो करंट बहेगा? बिल्कुल बहेगा. जैसे और करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? क्यू से पी कर पी पर बहेगा. ठीक है, क्योंकि हमेशा करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है. ओके, इसलिए इस कंडीशन में आप जो सोच रहे हैं कि करंट क्यू से पी की तरफ ही बहेगा. अब हम समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. ओके, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे. एनी सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है. और दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों को अगर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो हमें ज़ीरो मिलेगा. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो. ठीक है, मतलब कि जो भी कार्य एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाने पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो कार्य होता है वो ज़ीरो होता है. सो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू.